मंजली एक बेबाक लड़की थी जो कि किसी की मर्जी के हिसाब से जीना पसंद नहीं करती थी। उसे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से जीना पसंद था। वो कभी भी घर पर आती और कभी भी घर से बाहर जाती। उसके आसपास के सभी लड़कों से जान पहचान थी और ये सब बातें उसकी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और एक दिन पायल कहती है, अरे मंजली ये सब क्या है, तू इतनी देर रात बाहर क्यों रहती है? मैं तुझसे कुछ कहती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तू रात भर बाहर रहे और लड़कों के साथ घूमे। थोड़ा हमारी इज्जत का भी ख्याल कर लिया कर। क्या प्रॉब्लम है माँ आपको मेरे घर से बाहर रहने से? अरे बहुत प्रॉब्लम है, जब तू इतनी देर रात घर किसी न किसी लड़के के साथ आती है तो सुबह में आस पड़ोस की औरतें मुझे ताना मारते हुए कहती हैं कि तेरे पापा के जाने के बाद मैंने तुझे ज्यादा छूट दे दी है। अरे तो आपको बाकी लोगों से क्या लेना देना, मैं आपकी अपनी हूँ या वो लोग, और वैसे भी वो सभी लड़के मेरे दोस्त हैं। अरे रहना तो हमें इसी समाज में है ना। और ये बता, तेरे सारे लड़के ही की दोस्त हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं हैं? और ऐसे कौन से दोस्त होते हैं जो रात में ही तुझे घर छोड़कर जाते हैं, और हर रात एक नया लड़का ही क्यों आता है? अरे माँ आप सब ये बकवास मत करो मेरे साथ, चलो मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर जाना है, बाय। देख बेटी अब भी वक्त है कि संभल जा, वरना मजबूर ही मुझे तेरी शादी करवानी पड़ेगी। और जब वहाँ तेरी सास तुझे ये सब कहेगी तो तुझे पता चलेगा कि मैं क्यों तुझे समझाती हूँ रोज। अरे माँ तब की तब देखेंगे, आप इतनी चिंता मत करो मेरी, अभी मुझे बाहर जाना है, बाय। इतना कहकर मंजली घर से अपनी माँ की बात बिना सुने ही निकल जाती है। और पायल मंजली की इन हरकतों से बहुत परेशान हो जाती है। और अब इसका हल ढूंढने के लिए पायल मंजली की शादी करवाने की ठान लेती है। यूं ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन पायल मंजली से कहती है, सुन मंजली मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है जिससे तेरी शादी हो, लेकिन अगर मैं कल उसे और उसके घर वालों को बुलाती हूँ तो तू कुछ ना कुछ गड़बड़ कर उन्हें भगा देती है, इसलिए मैंने तेरी लड़के के साथ कल मीटिंग फिक्स कर दी है, तुझे उससे मिलने जाना है कल, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गड़बड़ हो। अरे माँ मैंने आपको कितनी बार कहा है ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, फिर ये सब क्यों? मैंने तुझे कह दिया ना, अब जैसा कहा है वैसा ही कर, समझी तू? मुझे कल कोई ड्रामा नहीं चाहिए। अब मजबूरन मंजली को पायल की बात माननी पड़ती है। अगली सुबह मंजली की माँ उसे सूट सलवार में घर से बाहर डेट के लिए भेजती है, लेकिन मंजली भी कहाँ सुधरने वाली थी, वो भी बाहर किसी शॉप के वॉशरूम में जाकर कपड़े बदल लेती है और छोटी सी ड्रेस पहनकर डेट पर चली जाती है, जहाँ उसे सागर नजर आता है जिसे देखकर वो बहुत ही आकर्षित आवाज में कहती है, हेलो आर यू सागर? यस एंड यू मंजली? ओ प्लीज डोंट कॉल मी मंजली, कॉल मी मन, ओनली मन, ओके? अच्छा ठीक है मिस मन, आइए बैठिए। मंजली के कपड़े देखकर सागर को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वो उससे पूछता है, क्या खाना चाहेंगी आप? जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं लगता यहाँ मिलेगा, मैं बहुत महंगा खाना खाती हूँ, आपके पास 50,000 के आसपास पैसे हैं ना? आप पैसों की चिंता मत करो, आप चाहे जो मर्जी मंगवा लो आपको मिल जाएगा, आप बस ये बताइए कि आपको खाना क्या है। अब मंजली बहुत महंगी महंगी चीजें ऑर्डर कर देती है और जब खाने की बात आती है तो खाना खराब है कहकर वहाँ से झगड़ा करने लगती है, जिसके बाद सागर उसे एक पार्क में लेकर जाता है जहाँ पर काफी सारे लड़के और लड़कियाँ थी, जहाँ पर कुछ लड़के मंजली को देख कर उस पर लाइन मारते हैं और ये देख कर मंजली उसके पास जाकर कहती है, हेलो बॉय क्या आज रात तुम फ्री हो? अरे मैं तो रोज रात को फ्री रहता हूँ, बताओ आपको क्या काम है मुझसे? सोच रही थी आजकल मेरी रातें तन्हा बीत रही हैं, इसलिए सोचा कि किसी के साथ ये तन्हाई बांट लूं। अरे ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। ये सब बातें सागर सुनकर मंजली का हाथ पकड़कर उसे दूर ले जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, ऐसे किसी भी लड़के को अपने साथ रात में कहीं भी ले जाने के लिए क्यों कह रही हो तुम? अरे यार वो क्या है ना, जब तक मेरे साथ रात में कोई हो ना तो मेरी रातें नहीं निकलती, तभी मैंने सोचा उससे पूछ कर देखूं, अब तो ये पक्का शादी से मना कर देगा। अरे तो ऐसा कहना था ना, मैं किस लिए हूँ, देखो अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। अरे बाबा तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे हर रात दो दोस्तों की जरूरत होती है, मैं पूरी रात पार्टी करती हूँ और सुबह होने के बाद घर आती हूँ और दिन भर सोकर रात को फिर निकल जाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं शादी के लिए बनी हूँ, समझे? ठीक है लेकिन एक बार मुझसे शादी करके देखो, फिर कभी तुम्हें दो लड़के की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरी रात घर से बाहर रहती हूँ,
पार्टी करती हूँ। कल को तुम्हारे घर वाले यही कहेंगे कि हमारा बेटा कैसी करेक्टरलेस बहू को घर ले आया है। वो सब मैं देख लूंगा, बस तुम ये बताओ कि तुम उसे शादी करोगी कि नहीं। अरे इतना क्या मरे जा रहे हो तुम उससे शादी करने के लिए? तुम्हारा ये बेबाक अंदाज, तुम्हारी सोच, लुक, रहने का तरीका, स्टाइल सब बहुत अट्रैक्टिव है। मंजली सागर की बातों से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वो उसी शादी के लिए राजी हो जाती है, जिसके कुछ दिनों बाद ही मंजली और सागर की शादी होती है। जिसके बाद अब ससुराल में भी मंजली की देर रात तक बाहर रहने की आदत थी। और एक दिन उसकी सास अपनी बहू को रोज रात घर में लेट आती हुई देख कर कहती है, बहू ये क्या हरकतें हैं, इतनी देर रात तक शरीफ घर की औरतों का घर से बाहर रहना अच्छा नहीं होता। अरे माँ जी, ये अच्छी बुरी औरतें क्या होता है, आखिर हैं तो सब औरतें ही ना, और ये क्या लगा रखा है आपने, रात को यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना। अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊँ, आप क्यों टोकती हैं मुझे? अरे ये मेरा घर है, तू मेरी बहू है तो टोकने का भी तो मुझे ही हक है ना। आस पड़ोस के लोग देखते हैं तो कहते हैं कि कामिनी की बहू तो कैरेक्टरलेस है, हर रात देर से घर आती है और लड़कों के साथ आती है। अरे माँ जी, जब मेरे पति को मेरे बाहर रहने से दिक्कत नहीं है तो आप क्यों इतना उछल रही हैं? बस बहुत हो गया, अब से तू रात में कहीं नहीं जाएगी, मैं खुद रात में घर के गेट का ताला लगा कर सोया करूंगी। इतना कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और फिर कामिनी मंजली को घर से बाहर कहीं जाने नहीं देती। और अब सागर भी घर से काफी दिनों तक बाहर रहा करता, तो मंजली ने पास के लड़कों को फंसाना शुरू कर दिया। एक सुबह मंजली अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी थी, तभी वहाँ सामने वाले घर में एक लड़का अपने घर की खिड़की पर खड़ा था और उसे देखकर मंजली इशारे करना शुरू करती है और सामने से लड़का भी उसे देखकर समझ जाता है। और फिर मंजली उसे किसी न किसी बहाने से अपने घर में आने के इशारे करती। और ऐसा ही होता, कुछ ही देर में एक लड़का एक बॉल को अपनी खिड़की से मंजली की खिड़की में फेंकता है और उसे लेने के बहाने उसके घर आता है, जहाँ पर उसकी सास कामिनी थी। आंटी जी, वो मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो मेरी बॉल आपके घर के किसी कमरे में गिर गई, तो क्या मुझे वो बॉल मिल जाएगी? अच्छा रुक, मैं बहू से कहती हूँ बॉल लाने के लिए। बहू, ओ बहू, कहाँ है तू? कामिनी मंजली को बहुत आवाज देती है पर वो नीचे नहीं आती। और फिर कामिनी रोहित को ही ऊपर जाकर बॉल ले आने को कहती है, जिसके बाद रोहित ऊपर जाता है और मंजली के कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद भी जब रोहित नीचे नहीं आता, तब कामिनी ऊपर जाकर रोहित को देखती है तो वो मंजली के कमरे में उसके साथ किस कर रहा था। और ये देखकर कामिनी गुस्से से कहती है, बहू ये क्या हो रहा है? माँ जी आप यहाँ? हाँ मैं, ये सब यहाँ क्या हो रहा है, और ये लड़का भी इसीलिए बॉल का बहाना करके आया था? अरे आंटी जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो आपकी बहू ने यहाँ आने को कहा था। मुझे कुछ मत कहना, आपकी बहू कैरेक्टर लेस है, उसे कहो जो कहना है, मैं तो जा रहा हूँ। मुझे पहले तुझ पर बस शक था, और जब मुझे सब आकर कहते थे कि तेरी ऐसी हरकतें हैं तो मैं उनकी बात नहीं मानती थी, लेकिन आज तेरी ये हरकतें देखकर सच में पता चल गया है कि तू एक कैरेक्टर लेस है। इतना कहकर कामिनी मंजली को घर से ही बाहर निकाल देती है।